देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के अंदर सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने जा रहा है। ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश आज दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अब बिजनेस हब और निवेश का एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी बन चुका है। महोदय, अगर कानून व्यवस्था अच्छी हो, सरकार की नियत साफ हो, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो, तो हर व्यक्ति आना चाहता है। देश और दुनिया आपकी ओर आना चाहेगी। और आज उसी का परिणाम है कि जब हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित किया था, लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, और मैं नेता प्रतिपक्ष को और दलीय जितने भी हमारे नेता विरोधी पक्ष में अलग अलग हैं, सभी सहयोगी दलों से मैं कहूंगा, 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग हम लोग कराने जा रहे हैं, इसी लखनऊ में आयोजन करने जा रहे हैं। ये 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में पहली बार उनका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। और पिछले उस समय रिपोर्ट भी आपके सामने हम लोग पढ़ेंगे कि पिछले निवेश से कितने नौकरियां लगी हैं, कितने नए रोजगार के सृजन हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर पड़ा है। ये आपने अगर संभवतः इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट 3 फरवरी की पढ़ी होती, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की में एक बात लिखी थी, पढ़ी होगी ना, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि वहां पे उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक लोग काम करते थे और पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो माहौल बना, जो नए उद्योग आए, आज उनमें से 60 हजार से अधिक लोग वापस यूपी में जा चुके हैं, जिनको यूपी में ही काम मिल चुका है। ये नया उत्तर प्रदेश है और इस नए उत्तर प्रदेश की इस गाथा को आपको भी स्वीकार करना चाहिए। और इसमें आप यहाँ के सीएम रहे हैं वो ठीक है, भविष्य के तो उसमें सभी लोगों ने प्रश्न आप पे खड़ा कर दिया है, जब चाचा ही आप पे आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पाएगा। लेकिन कम से कम आपको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था कभी, आज उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है तो आपको तो खुश